जय हो। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए सारे लोग मिलकर के जोर से। माल्यार्पण के लिए हमारे कमेटी से लड़कों से अनुरोध है जोर से ताली माला लेके वॉलंटियर मंच का जो कार्यभार मिला है मंच में चढ़ने का वही मंच में आएंगे। हम लोग गांव में आज के जनसभा में आज हम लोग गांव में जितना जान उपस्थित था जे उम्र में हमारे से बड़ो लगा अखनी के एक साथ जोड़हात करे है नेहर करे है बंदन करे है जे हमारे से छोटे लगा अखनी के आशीष जाना है आशा करे है तो नहीं ठीक हवा हालांकि हमें ठीक ना आए है कल पानी चढ़ा लाए तो नहीं आवे खातिर खाली और आंख कान बता रहा कि हमार की स्थिति आए लेकिन ताओ देखे हमने हटे भाषा कहल गया है कि जितना हमने माय के मानी है जितना हमने माय के पूजी है उतना हमने माटी के मानी है तो माय के की बेचक लगाए तो माटी और बेचक नहीं लगे माया दूध पियाई के बड़ो करल है तो माटी टाइम हमारा धान चार खियाई के बड़ो करल है माय के समान है माटी टकर मूल्य माय के समान है लेकिन इटा हमने से भूल गलो हमने पहले हम कहिए टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए पहला बात तो जमीन कभी गोटे न देना हो कि तोर कंपनी की गारंटी हो तोरा फायदा भेटो कि घाटा भेटो कोई दुकान खोलो ना लोग जातो नहीं किन तो हमें ठीका ले लो तो पहला टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए कि हमें तोरा लीज में देवो जमीन लीज में देवो गोटे नहीं देवो तो क्यों भी लगे हाँ गोटे जमीन नहीं देवो तो हमें 20 साल 30 साल 51 साल हार्डली 99 साल रहे लेकिन अभी इतना झोल फांस में वो कि 99 के 999 के दलो अरे सरवा 999 साल बाद रहते कि नहीं जगह टा क्या जानो हो तो टर्म एंड कंडीशन में जमीन भी एक काम है कि भाई तोरा लीज में देवो शर्त हो जब तक यहाँ कोयला के खदान रहतो जब तक तोर कंपनी रहतो जब तक तो यहाँ से टका कमेबे तब तक हमार गिदर बुतरो हमार बाल बच्चा भी यहाँ से टका कमाते यानी अनुकंपा के बाद अनुकंपा में नौकरी मिलना चाहिए ऐसा थोड़ी कि पप्पा के नौकरी भले ओकर बाद नहीं मिलता है अरे भाई बाप के बाद बेटा क्या हाथ जोतल है कि नहीं ओकर नतीजे जोतल है कि नहीं तो सही नहीं अगर बाप रिटायर भेलो अपन परिवार से तोरा फिर बेटा के लिए तो बेटा रिटायर भेलो तोरा नाती के लिए तो जब तक कंपनी जब तक फैक्ट्री तब तक नौकरी दिए तो हमने पूछा नहीं पढ़ लिए तुरंत हमने डिसाइड कर ले लिए हमने के भविष्य हमने भविष्य देखे नहीं पाई है वैसे भी हमने भविष्य अपन से कहाँ देखिए हमने तो एगो गाँव में क्यों मांगे लाए तो हाथ देख के बुलाए के 2000 लेके चल जाए हमने भविष्य तो लोके देख दो हमने अगर अपना चलाक रख लिए इतना ज्यादा हमने बुझे बात लिए और अपन भविष्य के बुझ लिए तो आज ही दुर्दशा में एक बात सही कहो आज यदि हमने लोग
सबसे ज्यादा दुखी अगर कहीं आओ तो यह दामोदर नदी धारी दुखी हो। सबसे ज्यादा दुखी अगर हमने लोग आओ तो आज सही कहो हमने को अपना दुख ना है हमने तो चाची की लगियो अभी 40-50 साल हमने जमीन की अच्छी बनाए बांटो कहा कि वहाँ कोई ना हुआ कोई खदान बनता है ना के पत्थर लेता है ना कोई माटी काटता है तो लेकिन तोहनी तो हमने के लोग लगे ना भाई तोहनी से ज्यादा दुख हमने के भाव तोहनी दशा देख के सबसे ज्यादा दर्द अगर हो तो दामोदर नदी धारी धारी हो फिर दामोदर नदी ये बेचारी जहां तक गेलो अब एक अच्छा मान एक घोड़ लाग छे एक पूजा कर ये पानी तो दे लो ये नाम तो कर लो लेकिन चारों दिगे दियो धार कोयला खदान दे दे लो और हमने कुछ नहीं मिल लो कोयला खदान से जहां तक गेलो दामोदर नदी कोयला खदान दे के गेलो हमने के कुछ नहीं मिल लो ककरा मिल लो आज सरवानो सिंह के 1 करोड़ एक दिन मिल रहा अरे जकर बाप दादा सुनाए चपरी रे चपरी है ना सूर्य नारायण महतो घर है के मुंशी कर रहा बहुत दिन बड़ा हल हमने कर हमने कभी फर्क ना एक बार पाल ले कि धामना साहब कौन डा लगाए गोमन साहब कौन डा लगाए करीब साहब कौन डा लगाए दूध पियाए दे नहीं आज खड़ा भाई लो तोरा काटे ले हम लोग परियोजना बंद करे मैं करी हाथ हो पता हो कि नहीं कारण यह हो कि यदि हिमाचल लोग टका कमाए लगता है तो सर्व विधायक तो बन जाता है तो नहीं अगर जानकारी ना हो जहाँ जहाँ लोकल के बच्चा सुहाव कंपनी जहाँ जहाँ खदान में लोकल के दबदबा हो कहाँ यह बंद करो बोलते थे विधायक लोग यह विधायक में बंद कर लो जहाँ जहाँ लोकल के दबदबा हलो फैक्ट्री में कंपनी में विधायक बंद कर लो कहे ये बंद ही खातिर कर लो ना तो पैसा से संपन्न है पर्वे ना हमारे मुकाबला करे पर्वे तो सही खातिर डॉक्टर बना डॉक्टर चिंता नहीं करिए कुछ नहीं होता है राड़ माटी राड़ छवा लगी है तो सही खातिर यदि हमने पुरखा जरा सा भी सोच लो कि क्या सही लगे क्या गलत लगे तो आज कम से कम जकर जमीन है लोग राजा रहते तो हमें कहली कि हमने विकास के विरोधी नहीं लगे थोड़ा जमीन चाहिए यदि बुझाओ यहाँ को बढ़िया फैक्ट्री खोलता है यदि बुझाओ यहाँ कोयला टा से देश के विकास करते तो ले लेकिन कंडीशन होना चाहिए जब तक कंपनी रहतो जब तक फैक्ट्री रहतो तब तक नियुक्ति होना चाहिए अब तो हम चाहबे अगर वास्तव में भारत सरकार जो नारा दे है कि हम भारत के सब आदमी के विकसित करबे और भारत के अगर विकास करबे तो अब नौकरी नहीं चाहिए अब नौकरी मत दे ना जमीन के बदले तो ओकरा पैसा दे अब की कर पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी बराबर में होगी हिस्सेदारी सीधा सा बात हुआ अब मानी पैसा तोर लगो अच्छा बात हो तो ये कमाई ला जिसने कमाई ला टाटा पैसा तोर लगो अच्छा बात हो जमीन हमार लगो जैसन तोर पैसा लगो जमीन हमार लगो बंटवारा 50-50 में जितना उबर तो जितना बास तो बंटवारा 50-50 और हमारा तो मानना है अगर वास्तव में गवर्नमेंट चाह है कि भारत के लोग उन्नति करते है भारत के एक एक आदमी अगर सफल होते है तो ऐसा नियम बनवे होता है जकर में एगो अरबपति नहीं हजार को लाख पति पैदा कर एक अरबपति अगर पैदा हो तो ओकर साथ साथ हजार को भिखारी पैदा होते लेकिन अगर हजार को लाख पति पैदा हो तो बराबरी रहते तो अगर वास्तव में भारत सरकार इला चाह है तो पहले तोरा नीति बना है जब तक कोई नीति नहीं बनेबे जब तक कोई नियम नहीं बनेबे तब तक ये देश के ना भला है सकल हो ना यहाँ लोग के भला हो सकल हो तो भला कर बेतो दो चार गो मुट्ठी भर लोग के भला बेतो आज देख सकल है मात्र 2-4% लोग के हाथ में देश के सारा पैसा आज भले यहाँ स्थानीय थाना प्रभारी महोदय आए लथिन अपन टीम के साथ अपने के धन्यवाद कर दे लेकिन तोनी के जाने है तो चाहे कलेक्ट्री व्यवस्था हो चाहे वीडियो व्यवस्था हो चाहे थाना के व्यवस्था हो एक नहीं गवर्नमेंट के चीज लगो और गवर्नमेंट का कर लगो अडानी अंबानी लगो यदि हल्का सा गवर्नमेंट एक नहीं एक नहीं आदेश दिलाओ जलिया वाला बाग नहीं और जनरल डायर बन के फायर करना हो एक नहीं एक मिनट नहीं सोचते कि हमने कितना दुखी है कितना हमने ऊपर जुलम मिला फायर कर दो
क्योंकि अखनी गवर्नमेंट गेलो लेकर अखनी दोष ना हो जेया बंदूक धर के आला तोन अखनी दोष ना अखनी अपन ड्यूटी करो अखनी भारत सरकार के लोग लगो जलिया वाला बाग अंग्रेज ने मार रहा है कहीं लिखा है अंग्रेज सरकार भारत सरकार वो लॉक तो अंग्रेज के लग लाए तो टाटा भी तो फारसी लगे टाटा भी तो फारसी लगाए वो लॉक तो इंग्लिश इंग्लिश लग लाए लेकिन जितना लॉक मारे वाला कहां लग लाए जलिया वाला बाग में सब तो भारत के लॉक लग लाए एक आवाज दिलाए और दम 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 गोली मार दिलाए अरे बोका साहब अगर पीछू बटे घोर के एक चमाटा मार दिला जनरल डायर के ना तो सारा माछी नियर में जीत गई हमने एक लोग की आइडिया ना हो हमने एक लोग इतना सोच लिए नहीं पार तो कि हमें की कह रहा है तो सही नहीं जितना है यार पहले अपने धन्यवाद दे है कि तोनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए ले लेकिन झंडा सच्चाई लगोटा सुने हते चाहे डीसी महोदय रहो चाहे एसपी रहो चाहे वीडियो रहो चाहे थाना प्रभारी एकला सरकार के लोग लगो अगर ये हल्का सा भागदौड़ भई गलो गवर्नमेंट ऑफिस जारी करो गोली मारना हो तो मार दे अगर सीआईएसएफ सीआईएसएफ के जिम्मा रहे कोयला चोरी रोकना अगर सीआईएसएफ जरा सा भी ईमानदार बतल तो ही हजारों हजार ट्रक से कोयला रोज नहीं चोराई चले जकर जिम्मा देश मिल रहा है अगर सीआईएसएफ के जिम्मा कोयला मिल रहा है तो सरदा कोयला चोरी करे में सीआईएसएफ का रोल रहा है अगर फॉरेस्टर के जिम्मा जंगल मिल रहा है तो जंगल के लकड़ी काटे में फॉरेस्टर के रोल रहा है आज का देश का सच्चाई लगे तो तुम कहां जाबे डराए के भाई के चोराए के नुकाए के कहां तक बच में तो जहां जहां जीवे लेकिन तहां तक गोड़ी गोड़ी थोड़ा जाता और तहां से अटैक काम करते तो सही खातिर सीधा सा हो ये लड़ाई निर्णायक लगो हम बार बार कह लिए कि हम दो हमारे दो नहीं अब हर घर में तीसरा पैदा होना चाहिए अब तीसरा निर्मल शक्ति सुदन में पैदा होना चाहिए या तो तीसरा पैदा कर या तो पहले मत कर मत पैदा कर की मिल तो कोयला धुआं से डर की मिल तो कहां पड़े भी अपना 5000 सरना सरी के फिर हो कहां पड़े भी या तो पैदा कर तीन गो और मत पैदा कर कहा कि जान बुझ के ओकरा तो ये बीमार करे ले तो ये ओकरा जवानी में विकलांग करे ले तो ये ओकरा सुसाइड कर ले कहे जो है भी वो जैसी 18 साल में तो ओकरा नौकरी चाहे पढ़ तो लिख तो नौकरी चाहे सर्वाइया बहरियन के नौकरी बेच दे लो कहां पे तो ऐसे सुसाइड कर ले तो वो तो ऐसे सुसाइड कर लेतो तो ओकर सच्चा मर हटके संदेश हो हालांकि दो चार लोग के अब कैसा लग तो नहीं लगतो सीधा सा संदेश हो अब तीसरा पैदा कर या तो पैदे मत कर अपन जिंदगी काट और खत्म कर ना तो तीसरा पैदा कर ओकर आधार कार्ड में भी नाम नहीं रहता है ओकर वोटर कार्ड में भी नाम नहीं रहता है ओकर आधार घरे रोज एक एक तनी बीस किया और ओकर इतने कही कि आज तक 70 साल से जितना जुलम भेलै तोरा एक गो हिसाब लेना एक एक जुल्म के हिसाब लेना हो तो एक एक जुल्म के हिसाब लेना हो जितना 70 साल से अपनी जुल्म फैला है ही आवे लिस्ट दलाए 600 एकड़ जमीन यहां ले गया है अरे 600 एकड़ जमीन समझ में आवो है कितना बेवा है एक गोटा गांव 600 एकड़ बेवा है बदले में गांव लोग के की मिल रहा है की मिल रहा है गांव लोग के यहां खाले दूर किडनी खराब भेलो ब्लड प्रेशर बढ़लो आरो कोनो बीमारी भेलो ऐसे तो मर गेले तो आज कोई फिर से एक बार मरे खातिर तैयार भेजो अरे हमने कितना परसेंटेज अभी आबादी है 1% अगर मर गेलिए ना तो बहरियन तो छोड़ जब विदेश में बैठ के देश के चलते ना और थर थर करके बाप करते लेकिन हमने में डर आ गेला हो हमने डर के जा है एगो वीडियो हैया जा है तो हाथ झुकाए के बात करे है थाना प्रभारी हैया जा है तो डराई डराई बात करे है जी हजूर बोलिए अरे यार ओकरा बताओ काहे ले जी हुजूर कर भी थाना प्रभारी और थाना तोर जमीन में बैठा लो तो जमीन का मालिक लगे इशारा में बात कर आरो तो लिख ले हो वीडियो तो स्पष्ट लिखा लो झारखंड प्रशासनिक सेवा वीडियो लिखा लो ना अपन बोर्ड में वीडियो ऑफिस में लिखा लो झारखंड प्रशासनिक सेवा सेवा क्या करत रहा सेवा करे वाला अरे खेले वाला खिलाड़ी तो सेवा करे वाला सेवक लेकिन वीडियो तो पैसा लेके सेवा करो हो यानी हम अपना सेवक भी नहीं कह सकली तो पैसा लेके सेवा करो माने नौकर तो बताओ का तो अगर आभास कर कि तो नौकर लगे अपना आभास कर कि लोकतंत्र लगाई टू द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए कोई आभास नहीं कर रहा है कोई डराए रहा है तोरा भगाए रहा है लाठी डंडा लेके ते भागते रहा है आज तक कभी सुना नहीं कि कोई बढ़िया जगह 4-5 बार डंपा रहे ओकरा कभी माने सीएसए वाला अथवा जो पुलिस कर्मी अपनी आइक देखा के बात कर ले ए एगो ना मिलतो
गरीब आदमी अगर ढेका चोरा के निकल में तो ऐसा मार के लेतो जैसे तालिबान के कोई बड़का आतंकवाद लगे। उम्मीद तोरा कोई भी आज जो व्यवस्था हो भारत देश में तो कहीं उम्मीद ना हो। तो मजदूर मजदूर लगे एक बात कान खोल के सुन ले, तो सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर लगे इड़ा तो कान खोल के सुन ले। तोरा के में देखो न तोर बारे क्यों सोचो हो न तोर क्यों चिंता करो हो। मिया देख ले हाल फिलहाल साइरस मिस्त्री मर लो, साइरस मिस्त्री सुना ही ना टाटा के पूर्व चेयरमैन हलाय, अरे भाई वो अरबपति हलाय। साइरस मिस्त्री जैसे मरलाय सरकार नियम बनाएल कि साइरस मिस्त्री कैसे मर लो रे, न साइरस मिस्त्री सीट बेल्ट नहीं बांध रहा तो की कर आप पीछू भी जब बैठते गड़िया में और सीट बेल्ट लगे तो चास नाला में 27 दिसंबर 1975 में कोयला के खदान में 375 गो लोग मर गए, तोरे यहाँ ढोरी में 26 मई 1964 में 268 गो लोग मर गए। कई को कानून बनल मजदूर खातिर, मजदूर खातिर कोई कानून ना हो। तो अधिकारी लगे तो बड़का रईस लोग लगे गवर्नमेंट तोर चिंता करतो तोर जान के हिफाजत करतो। मजदूर के कोई कहानी न हो, भले भारत के संविधान कतनों को टू द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल जे कहना हो कहले, सच्चाई आज हटे हो आज सत्ता रो शासन व्यवस्था रो आज केवल और केवल चल मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग हो और अधीन हो गया हो। तो इगला से तुरा लड़ना कैसे हो सबसे बड़ा प्रश्न हटे हो कि तो लड़बे कैसे एक सामना कैसे करबे, कहे कि इगला दानों से भी खतरनाक हो। अरे हिटलर में हिटलर और हिटलर से बुरा ना हो आज के सत्ता, आज के जितना अमीर जब पूंजीपति जब जितना कंपनी बैसलो अपनी हिटलर से बुरा बहुत ज्यादा बुरा। हिटलर तो गैस दे रहा है शरीर से मार रहा है इतनी प्रत्येक दिन कोयला के गैस दे रहा इतनी हमने पीढ़ी दर पीढ़ी मार रहा है। भारतीय संविधान आर्टिकल 21 आज चूंकि मीडिया के बंदो लोग हैं जानना चाहिए हमने के भारतीय संविधान 21 स्पष्ट कर जे हमने मौलिक अधिकार लगे, मौलिक अधिकार यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद के और जवाबदेही सर्वोच्च न्यायालय के रहा है। मौलिक अधिकार 21 में स्पष्ट है निजता का अधिकार जीने की स्वतंत्रता का अधिकार। अब प्रश्न है कि जीने की स्वतंत्रता की लगे, जीने की स्वतंत्रता माने यदि हमरा बुझा है तोर गाड़ी हरणवा से अगर हमर कान के नुकसान हो है तो तक कानून तोरा बंद करे हते। तो इतना इतना कोयला कोड़ के इतना इतना गैस से इतना इतना कचरा पानी से हमनी जिंदगी कितना बर्बाद हो रहा है और भारतीय संविधान 21 के अनुसार इलीगल हो। यदि एक आदमी अपोज करता है तो ओकरा बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री बंद करे हते। लागू भारतीय संविधान आर्टिकल 21 जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकांत का अधिकार, कहीं हवाई यात्रा का अधिकार 21 के तहत कि हमरा अगर कोई सिस्टम से बीमारी भी हो है यदि हमरा आभास भ रहा है कि हमर शरीर के नुकसान कर रहा है तो उटा हमर बंद करे के क्षमता। लेकिन क्या सुन तो इतने चिल्लाए चिल्लाए को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमारे पास है, अरे फॉलो क्या कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट कर लाए बाबा साहेब कि संविधान अच्छा या बुरा दोनों होगा डिपेंड करता है चलाने वाले पे, क्यों चलाता कैसा है। यह गड़िया लेके रोड में चल लो ठीक ठाक चलेगा तो टाइम में पहुंच जी में, एक टन स्पीड करेगा तो कहां पड़े कहां गिरवे क्या जानो। चलाने वाले पे निर्भर करता है गाड़ी को किधर लेके जाए। तो आज जब लोग बार बार कहा है हमने हमेशा पढ़वल जाए कि भारत का संविधान दुनिया का खूबसूरत संविधान है, तो भाई खूबसूरत संविधान सिर्फ खूबसूरती है या वो अनुपालन होगा, यदि अनुपालन होगा तो पहले 21 क्लियर कीजिए या तो 21 को निरस्त कीजिए, बता दीजिए कि 21 जैसा कोई आर्टिकल ही नहीं रहेगा। अगर 21 को माननी मानते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है तो हमको आपत्ति है इन खदानों से, हमको आपत्ति है इन नदियों के दूषित होने से जिससे हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है, इनको बंद कीजिए। अब लोग क्या कहते हैं कि देश की उन्नति रुक जाता है, अरे भाई देश की उन्नति करेगा अलग रास्ता है। कोयला के उपयोग का व्यवहार है बिजली बनाए खातिर कोलेरिक लोग क्यों नहीं बता, हमें तो पहाड़ धरे लोग लगे हो कोयला के उपयोग बिजली खातिर ना। अब सुन झारखंड में 1500 मेगावाट बिजली पूरा झारखंड फुलफिल कर लेते हैं, झारखंड के जो बिजली की खपत है 1500 मेगावाट में पूरा झारखंड हर घरे बिजली जलता है, लेकिन टंडवा में अकेले 2000 मेगावाट
पतरातू में 2000-4000 मेगावाट, आरजे अडानी यहाँ जबरदस्ती मारपीट के गोड्डा में बने ले वहाँ 2000 मेगावाट, इतना बिजली ककर खातिर भाई। जब सिर्फ 1500 मेगावाट में झारखंड फुलफिल होता है तो हजार हजार मेगावाट ककर खातिर। जन राज के पहला बात हो तोरा प्रॉफिट कमाना, ढंग से कमाओ, ककरो लाश में ना ककरो कब्र पे खड़ा होके ना। आज तो कहे कि हम जर्मनी के बराबरी करबे, तो कहे हम जापान के बराबरी करबे। जापान नया टेक्निक लेके आयल है, जापान जितना ओकर स्पीड रेलगाड़ी हो ओकर से बिजली पैदा करे, और तो लोग के मारे है, पीटे है, कूटे है, छेचे है, और मार तो ला कोड़ते रहो कोड़ते रहो कोड़ते रहो, सरवार के भारत विश्व गुरु बनतो। जर्मनी अपन जे ट्रेन है जितना स्पीड ट्रेन उतना स्पीड बिजली उत्पादन में है। अरे उतना तो छोड़ बोका सब, अगर दिमाग ना है तो हमने दिमाग दियो। जितना एनएच बनल हो लगभग 7 लाख किलोमीटर में फैनल है एनएच, एनएच बुझा ना जीटी रोड, हुआ जो डिवाइडर है ना हुआ लगा दिना रे सोलर सिस्टम, बिजली की कमी पूरा हो जाए। दिमाग रहो तब तो, मानवता रहो तो तब तो, इंसानियत रहो तब तो तोरा बुद्धि सुझ तो, तुम्हें तो खून पिए ले लोग के ना, तोरा पीना हो और सिर्फ अपन फायदा करना हो। जन दिन झारखंड उजड़ भाई जीत है, जन दिन झारखंड खंडर भाई जीत है, तो लंदन शिफ्ट भाई जीवे, के कनाडा शिफ्ट भाई जीवे, के मलेशिया के दुबई शिफ्ट भाई जीवे। और पता ना है तो जानकारी ले ले, हमरा बुझाओ तोर विधायक जरूर कहीं ना कहीं विदेश में घर बना ले, तो हमने एक विधायक के लिए बनवा लो धनवादी गिले दो तीन लोग। एक नहीं के आम व्यक्ति किसे कोई वास्ता ना है, तो सही खातिर पहला चाहे थोड़ा जाने तो जनता विनोद बाबू भी कहा लाए पढ़ो और लड़ो। आज तोहनी के छोटा सा उदाहरण दिए, बगल में जीटी रोड जैसी भगवदर बरकट्ठा होता है वहां आज भी एनएच चौड़ा नहीं मिला है। बताओ गोटे जगह जमीन नहीं ले लाए, लेकिन हुआ कहा नहीं दिलाए, हुआ शायद लोग के लिए कहा लाए कि जमीन हमार लगो पैसा हमें तय कर दी। पता नहीं हमें कितना सही कितना गलत ही हो, लेकिन तो एक बार जाके घोर के देखिए गोटे जीटी रोड ए 4 लाइन से 8 लाइन बन गया, आज भी बरकट्ठा में 1 इंचार्ज छोड़ा नहीं। कारण एकजुटता, जानकारी, एजुकेशन और एक साथ मिलके लड़ना। बड़का गांव में अडानी आयल है जमीन लिए ले, आज अपनी कंटिन्यू महीना भर से चुपचाप खड़ा है, पुलिस सामने है, कह दल तो गोली हो बंदूक वैसे भी जाना हो तो है तो लागबे करे सरकार के, और सरकार तो करे अभी अडानी के लाइट सभी जाना है मार, लेकिन हटे जान ले तो हम सुखे ना रह गए। इतना लोग हाय जरूरी लगते देखे कर रहे, जितना बड़ा बड़ा मंत्री संतरी पूंजीपति रहते हैं सारे शुगर से मर जाते हैं, किडनी फेल भाई है। अरे तो इतना गरीब लोग के हाय कहाँ जीता है, इतना गरीब लोग के हाय लेके कहाँ जीवे रे। दुनिया के जीते ले सिकंदर निकल लाला कि दुनिया के जीत लेना है हमरा, सिकंदर तो नहीं पड़ा लवा छोटा गरीब, एगो सिकंदर हले दुनिया में वो कहले गोटे दुनिया हमें जीत ले भाई, गोटे दुनिया हमार बेटा ई तो कर बैरमार फुसरोय मांग रहलो अनुपवा, सिकंदर गोटे दुनिया मांग रहलो, सिकंदर गोटे दुनिया जीते ले गेल हलाय, मोटा मोटी 250 सभ्यता जीत गेल हलाय, मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता, आज जे हमनी के भारत के सभ्यता हलाय, जन अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिस्सा है, लगभग लगभग दुनिया में उस समय 4 गो सभ्यता हलाय, मोटा मोटी 2 गो सभ्यता सिकंदर जीत चुकल हलाय। यानी अगर जमीन के हिसाब से कहबे तो बहुत कम, लेकिन आबादी के हिसाब से 50% दुनिया जीत गया है, लेकिन बदवा तो लगबे करतो जाए जाए बेबी लोन में 33 साल के ऊपर में सिकंदर खत्म भई गेले मेरे, तो पता ना एक नहीं की सोचल है कि एक नहीं मौत ना भेटा है, खाली गरीबे के हिस्सा में मौत आवो है। अरे सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़का राजा, ये कलिंग जीतल बाद की मिल रहा है ओकरा लास्ट में, ओकरा अपन निजे एक धर्म छोड़ के शांति बौद्ध धर्म अपनाए बने कि यार हमारे से हिंसा ना बचे, लेकिन पता नहीं टाटा बिरला अडानी अंबानी ये मोदी के 60 घाट से और एक पहले को सरकार से 60 घाट से एक ने कब शांति मिलते। सम्राट अशोक के शांति मिल गलाय, बेचारा कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ गलाय कि नहीं नहीं मानव हथियार नहीं करबे, लेकिन पता नहीं बड़का बड़का कंपनी चोर गिला के ये राक्षस गिला की देखते गिला के एखने हृदय कब पिघलता है और एखने कब गुहार करते कि हमरा शांति चाहिए। अरे भाई तोरा शांति चाहे चाहे ना चाहे, हमरा अब शांति चाहे, हमने 100 साल से लगातार लड़ रहे हैं,
1912 से हमने झारखंड खातिर लड़ रहा है, आज 22 भाई गले 110 साल भाई गले, यार कतरा लड़बे तोरा शांति ना चाहिए तो यार जगह फैक्ट्री खोल हमरा शांत कर दे कि दामोदर के नदी के पानी बहा दे हमर खेत खरियान हमर पारस्थान पहाड़ एकरा सूझ बूझ से रह दे एकरा हरा भरा रह दे हमरा शांत रह दे। हमें तोर से कोई नहीं रखे तोरा जय करना अपन कर हमर वापस खेत खरियान वापस कर दे। एक बात सीधा जान ले स्वर्ग में जाए के रानी कर घोड़ा जाते एक से आजा हो का हमें नरक में रहो हमें राजा बनाए दे लोके कहतो ना स्वर्ग जब नरक पर लखे को पहला कहानी लगे लेकिन बात हो यदि कोनो कोना यहां के कितने कहिए हमरा स्वर्ग में जाए के खीर भात खाइल बाद रानी घोड़ा जाते एक से अच्छा है हमरा नरक में दे दे लेकिन हमें अपन रानी खुद रहो हमें अपन राजा रहो। एकर के एक मतलब हो तोर टाका पैसा की बड़का बड़का चमक धमक तो राखी ले हमार खेत गिला घुराई दे हमें जिसने पार भाई ज्योति के खाबाई और ताई हमार संसार चलते हमने स्वर्ग जाए कोशिश कर ला कि हमने के स्वर्ग जाए कर हुआ गुलाम मान चाहे जय बन हमने लोग के दिमाग में भर दो कि तोरा स्वर्ग जाना हो सरग नरक कुछ नहीं भेबो है यदि भेबो कर है तो नरक ही चुन लिया लेकिन वह राजा बनना तो तय करिया राजा राजा भेबो है चाहे लंका के रो चाहे भारत के रो राजा राजा भेबो है और तो वास्तव में राजा हले राजा क्या भेबो है जकर जमीन लगे राजा के जकर जमीन लगे आज कहां जमीन मिला हमने करा हो आज भगत सिंह हटाई कहा लाए कि पहले आजादी ना दी पहले आजादी ना चाहिए हमरा हमरा पहले आजादी ना चाहे पहले हमरा समानता चाहे पहले हमरा बराबरी चाहे जदी आजादी ले ले लियो और फिर तो जन लोग ग्राटिन टाका पैसा खूबे पे जा तू होशियार रहो अपने तो फिर लोग गिला के बोका बना लेते हटाए तो भले ना हटाए भले ना 10% लोग के हाथ में पूरा देश के विधि व्यवस्था चली हटाए भगत सिंह चिंता कर रहा है कि हमरा आजादी ना चाहे पहले तो हमरा बराबरी कर दे अंग्रेज के बाद तो जकरा आन में हम स्वीकार करबो लेकिन इक्वालिटी हमरा चाहिए हमरा लिबर्टी से पहले इक्वालिटी दे लेकिन आज कहां इक्वालिटी यह जमीन गिला जनता हम निकल लो तो निक जानकारी होना चाहिए गवर्नमेंट के आंकड़ा कहा है